इसको कहते हैं यार एप्लीकेशन फॉर्म पीएचडी के लिए। कभी कभी ना ऐसे फॉर्म आते हैं कि जिसको स्पेशली मैं तो यार हाईली रिकमेंड करता हूँ कि ऐसे फॉर्म ज़रूर भरो। ऑल दो मैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को कभी भी रिकमेंड नहीं करता, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उसके अंदर भी कोई अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ जाती है ना, तो यार सच में मन करता है कि सब लोग को बोले कि यार अप्लाई करो, एडमिशन लो, बिकॉज़ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सीरियसली बहुत ही अच्छा काम होता है। तो ये उसमें से एक है। डेट्स आप देख रहे हो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली ये है क्या यार। चलो 11 अप्रैल से स्टार्ट है और 11th में लास्ट डेट है। तो अब मैं इसको दिखाता हूँ। सो दिस इज़ एग्जैक्टली द बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यूपी के सेंटर पे है, मतलब लखनऊ में, ठीक है। तो बहुत अच्छी जगह है और मैं बोलूँगा इससे अच्छा फॉर्म नहीं मिलेगा आपको आने वाले टाइम में और अभी तक जो भी फॉर्म निकले हैं। सो नोटिफिकेशन आपने देख लिया सेशन 2022 और 23 के लिए। तो चलो जल्दी से देखते हैं सीट्स, फी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो सब लोग देखना चाहते हैं। प्रॉस्पेक्टस बहुत ही सुंदर बनाया, इट इज़ कलरफुल आल्सो। सो हमको सिर्फ काम की डिटेल्स देखनी है जिससे कि काम की इन्फॉर्मेशन ना मिस हो। चलिए जल्दी से आ जाओ नीचे वाले लिंक पे। कितना फीस है देखो, यहाँ पर तो लिखा हुआ है डेट नॉट स्टार्ट टू बी अनाउंस्ड बट ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी जाने वाली है थोड़ी सी ज़्यादा है कंपैरेटिव टू आईआईटीज, एनआईटीज और ऑटोनॉमस, 1000 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़। तो ये आपको ऑनलाइन पे करना है। अब आ जाओ सीट्स पे, जो मेन कैंपस है लखनऊ के अंदर उसमें जो सीट्स अवेलेबल हैं, एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, जोलॉजी, यार देखो सारे डिपार्टमेंट कोर डिपार्टमेंट हैं और सच में आपको देख के मज़ा आ जाएगा कि सबके अंदर बहुत अच्छे नंबर की सीट्स हैं और सारी कैटेगरीज अनरिजर्व्ड, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो अभी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो यार, हॉर्टिकल्चर, फार्मास्यूटिकल साइंस, यार फार्मा वालों की भी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फार्मा गाइज। फिर लॉ, हिंदी, इंफॉर्मेशन, माइक्रोबायोलॉजी, सब कुछ है। तो टोटल 213 सीट्स हैं भाई, जल्दी से अप्लाई करो। और इसके बाद इनका एक सेटेलाइट सेंटर है अमेठी में, वो भी इसी यूनिवर्सिटी का सेंटर है, तो यहाँ भी अप्लाई करना चाहते हो, कुछ डिपार्टमेंट यहाँ पर हैं, 6 सीट्स हैं। अब देखो सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है, सिलेबस इसका क्या मतलब है। सो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कराएगी और उसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल यूजीसी नेट, जो आप गेट और जीपैट जिस भी सब्जेक्ट से देते हो, बिल्कुल वैसा ही सिलेबस आने वाला है और वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा भाई। अगर आपके पास ना नेट वेट है तो कुछ भी नहीं काम करने वाला, आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। ये कुछ अलाइड सब्जेक्ट हैं तो आप यहाँ से भी देख लो। ये है पूरा फी स्ट्रक्चर कि यूनिवर्सिटी कितना फ़ीस ले रही है, बहुत नॉमिनल है, बिल्कुल परफेक्ट फ़ी स्ट्रक्चर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला। और अब आ जाओ देखो, एग्ज़ामिनेशन होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, क्वालिफाई करना होगा, जिसमें रिसर्च मेथडोलॉजी और आपका सब्जेक्ट आने वाला है। और उसके बाद जब आप क्वालिफाई करोगे तो 50% मिनिमम मार्क्स होंगे और फिर बनेगी आपकी मेरिट आपके एग्जामिनेशन पे, नेट जेआरएफ पे, मास्टर्स के मार्क्स पे, इनको लेके आपकी मेरिट बनेगी और फिर होगा फाइनल इंटरव्यू। तो पहले फॉर्म भरो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है। और एग्ज़ामिनेशन देना ज़रूरी है सारे ही लोगों को। सो प्लीज़ अपने दिमाग से निकाल दो, कोई बोला हो कि तुम जेआरएफ हो, तुमको नहीं देना, तुम डीएसटी हो, तुम गेट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे ही लोगों को एग्ज़ामिनेशन देना है। एमसीक्यू टेस्ट होगा, एग्ज़ामिनेशन 2 घंटे का होगा, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो सबको एग्ज़ामिनेशन देना, उसकी अपडेट आएगी, मगर उससे पहले रजिस्ट्रेशन कर दो, फॉर्म फिलअप कर दो। चलो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा फॉर्म आया है। कमेंट ज़रूर करो कि सच में कौन कौन इसमें एडमिशन लेना चाहता है, किस डिपार्टमेंट में कुछ भी डाउट हो, पूछना हो तो मुझे पूछो, बिकॉज़ मेरे पर्सनली वहाँ पे लिंक हैं, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ वहाँ पे, तो आपको बता सकता हूँ कि उस डिपार्टमेंट या किस डिपार्टमेंट में किस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं और आपको वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। चलो कॉमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, क्योंकि इसके अलावा मैं बहुत अच्छा नोटिफिकेशन, अगले जो 3 नोटिफिकेशन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तुम सभी लोग के लिए। पीएचडी में एडमिशन ले लिया है उनके लिए भी, नहीं लिया है उनके लिए भी, जो कर रहे हैं उसके लिए भी, और जो ख़त्म कर चुके हैं उनके लिए भी। इसीलिए प्लीज़ बी एक्टिव, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।